ही देखिए, तीना शराब बिंबू सूत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप लोग का और एक नया ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों अभी तो आज मौसम थोड़ा क्लियर देख रहा है, यहाँ पे देखिए। और ब्लॉग बनाते हैं, लारू कहाँ उठ जाता है। अरे लारू ऐसा नहीं करने का। और यहाँ पे देखिए मौसम थोड़ा क्लियर हो गया है और यहाँ पे सूरज भी थोड़ा थोड़ा आ गया है, थोड़ा रोशनी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बप्पू सुबह उठ के क्या कर रहा है, मुंह भी धोया नहीं। बाबा कौन कौन दिया है, लॉलीपॉप दिया है। हाँ। और अपना लारू ये बहुत शैतान हो गया आजकल, खाके क्या उल्टी करता है ये, घर के अंदर ही उल्टी किया है ना, खचरा है लारू। और यहाँ पे मन्नत का मम्मी मुंह धो लो बाबा, खचरा है पूरा, देखो गंदा है तू। तो दोस्तों अभी तो मैंने जो का ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, ये गिर गया था, अभी तक उठाया नहीं मैंने क्योंकि डोज भी चाहिए ना। तो अभी मोबाइल में चार्ज भी नहीं है, पहली बार तो लाइट भी नहीं है, लाइट भी चला गया, और लाइन भी नहीं है, दोनों नहीं है, सिग्नल भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, और मेरा मोबाइल में भी चार्ज नहीं है, तीनों पूरा खत्म। आज का ब्लॉग जो आने वाला था वो भी अभी अपलोड नहीं हुआ, जब लाइन आएगा तब अपलोड करूंगा। अभी जाऊंगा मैं फिलहाल के लिए, क्योंकि जरूरी होता है मोबाइल में चार्ज रहना ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैं नीचे में जाऊंगा भैया का उधर मोबाइल चार्ज देने के लिए। क्या बाइक से जाएगा आप, तो अभी चार्ज लगा लेता हूँ नीचे जाके फटाफट, उसके बाद देखते हैं चार्ज होने के। मोबाइल चार्ज हो चुकी है दोस्तों, और मनोज का पापा जो वीडियो एडिटिंग करके रखा है वो भी अपलोड किया है, लेकिन कारण अभी तक नहीं आया है। आज का दिन बिल्कुल बोरिंग लग रही है क्योंकि ज्यादा धूप भी नहीं है, और ज्यादा धूप देता तो बहुत अच्छा होता, कपड़ा भी सूख जाता है, लेकिन बारिश तो नहीं दे रही है। और हम लोग जाएंगे बेम्बू सूत धुने के लिए दोस्तों, बहुत दिन हो रही है हम लोग बेम्बू सूत नहीं खा रही थी, इसीलिए मनोज का पापा और मैं बेम्बू सूत धुने के लिए जाएंगे इसे प्लानिंग किया था। रेडी हो चुकी है हम लोग जाने के लिए, और बापू को तो नीचे छोड़ के आया है मन्नत का पापा, और मैंने लिया है एक जगह, यहाँ पे देखो बाल्टी लिया है, और ये है छोटा सा दाव, और वहाँ पे मन्नत का पापा दरवाजा भी बंद नहीं किया आ रही है। क्या ठंडा है ना दोस्तों, फिर भी आराम है बिम्बू सूत धुने के लिए, इतना गर्म भी नहीं है और बारिश भी नहीं दे रही, पूरा मौसम आज अच्छा है। अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाला है हम लोग दोस्तों, और मैं जा रहा हूँ मन्नत का मामी पीछे पीछे कैमरामैन, और यहाँ पे जा रहा है आगे आगे, मैं भी ढूंढूंगा। और आज का मौसम तो इतना धूप भी नहीं है देखो, इतना और काले काले बादल है, बारिश भी नहीं है, आज का मौसम अच्छा है। लेकिन हम लोग कहीं भी जाना था क्योंकि बारिश आएगा सोच के हम लोग गया नहीं, तो कल देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मैं एकदम हाफ पैंट से आया है, ये देखो यहाँ पे रोज ढूंढता है बेम्बू सूट कहाँ मिलेगा, वही सोच के मैं मन नहीं कर रहा था बेम्बू सूट ढूंढने के लिए। ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, हम लोग पहुँच गया है यहाँ पे, देखिए आके ही मिल गया है। और मनोज का मामी को पूरा पता है कहाँ कहाँ मिलते हैं बोल के, ये देखो बेम्बू सूट, ये देखो आजकल बेम्बू सूट छोटा सा गया, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है मेरे को, ये देखो वहाँ पे भी है, अच्छा अच्छा है, ये देखो कितना अच्छा है, यहाँ ग्रीन कलर का देख रहा है ना, वही खाते है साज बोलते है बच्चूरी साज हम लोग। अरे मनोज का मम्मी इसको पटा है, लेकिन मेरा तो हालात खराब हो जाएगा भाई, क्योंकि ये खाद जाएगा पूरा। और वहाँ पे भी है देखो, ये देखो यहाँ पे रख देना, ये जूम कल्टीवेशन करता है लोग, वहाँ पे ही मिलता है। कुछ इस तरह का है गांव का लाइफ, और हम लोग यहाँ से बेम्बू सूट लेके जाके पूरा निकाल के आप लोग को बना के भी दिखाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी है, मेरे को यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, लंबा लंबा है ये देखो, वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, कहाँ यार खाले पूरा, ओह दिखाई नहीं दिया, अच्छा से देखो खाले वाला, वहाँ पे भी है क्या, दिखाई दे रहा है ये रहा। ए, देखो कितना अच्छा वाला है ना, बहुत अच्छा है ये देखो, लोग ढूंढा नहीं होगा यहाँ पे ना, इसीलिए तो हाँ यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ देखो दिखाई नहीं देता है, ये देखो ये रहा देखो, ये कितना अच्छा अच्छा बेम्बू सूट मिल रहा है, अच्छी बात है। वैसे भी शाम के लिए एक भी सब्जी नहीं है, हम लोग कल कर देता था सब्जी, जो भी बचा था हम लोग का जो बीन्स वगैरह केरला का साग केरला जो बचा था वो कृपा भाई को दिया है हम लोगों ने, क्योंकि सुबह उठ के वो चला गया ना कृपा भाई, तो इसके वजह से उसको दिया है हम लोगों ने। एक भी सब्जी नहीं है हम लोग के पास, यही ढूंढ के आज इससे ही चलाना पड़ेगा काम,
क्या करें दोस्तों, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है मेरे को बात करते करते, ये देखो कैसे उठ जाता है ना, ये देखिए। ले ले मन्नत का मम्मी, मेरा दावत तो क्लियर हो गया, मन्नत का उनको बोल रहा था मैं नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, और इतना बढ़िया बिम्बुसु थे ना भाई, ये देखो सबसे ज्यादा तो मेरे को यही अच्छा लग रहा है। देखो बहुत टेस्टी होते हैं आजकल, बहुत बिम्बुसु टेस्टी बन गया है। यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है मेरे को, देखो ये खराब हो गया, ये ऐसे फेंक देंगे इसको, मालामाल हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है मेरे को, ये देखिए यही टेस्टी वाला। और यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है मेरे को, ये देखिए कितना अच्छा अच्छा बिम्बुसु दिए, देखिए ये ले लो मन्नत की मामी, बहुत अच्छा अच्छा। यहाँ पे एक ही साथ तीन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है और ये लंबा वाला, ये केक है, और यहाँ पे एक छोटू वाला, ये चेतू ले लो। मेरे को मालूम ही नहीं ऐसे मिलते हैं बोल के। हाँ, मुझे मालूम है ना, इसलिए है सर। मन्नत का मामी नीचे ढूंढ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं लॉन्ग पैंट लेके नहीं आया ना, तो इसकी वजह से वो नीचे तरफ गया है। और धूप भी अभी बढ़िया करके आया है भाई, अभी धूप देखने के लिए मिला, देखो सूरज अभी देखने के लिए मिला। हम लोग जस्ट आया था, इतना मौसम अच्छा था ना, अभी यहाँ पे इतना धूप दे रहे है। और यहाँ पे बीच बीच में मिर्ची का पौधे भी है, देखो मिर्ची भी लग गया है, लेकिन नहीं तोड़ेंगे, दूसरा का है एक्चुअली, ये जूम कल्टीवेशन खाता है लोगों ने। और यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है मेरे को, टिक 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 टिक, टिक 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 टिक, कि सब बढ़िया बेम्बू सुते है। देखो ऐसे ऐसे में ही मिलते हैं, ये पहले बेम्बू था ना, ये बेम्बू काटा है, फिर बेम्बू काटने के बाद वहाँ पे अभी जो उठ जा रहा है और वहाँ पे ही लग गया है। देखो देखो मन्नत का मामी अभी ढूंढ रहा है दोस्तों, मैं तो ऑलरेडी हाथ में दो लाके रखा है, और इतना सारा बन गया है ना बेम्बू सुत, देखो एक टाइम तो आराम से खा सकेंगे हम लोग। द्वार में के लिए कितना चाहिए, एक है नीचे में, एक है दो, देखो नीचे में छोटा वाला, वो देखो, हाँ वो वाला, हाँ वो भी ले लो। और किस तरफ जाएंगे, और ये देखो यहाँ आप लोग जो झाड़ू मारते हो ना घर में, ये झाड़ू का पेड़ है, देखो हम लोग सुरंदरा बोलते हैं, ये झाड़ू बगीचे यहाँ पे बहुत करते हैं हम लोग का लोग ज़्यादातर गांव-गांव में करते हैं ऐसे झाड़ू का। और यहाँ पे एक किलो ऐसे बेचता है, जब ये आ जाएगा ना, निकल जाएगा ना झाड़ू, तो अब एक किलो बिना सुखा के 30 रुपया ऐसे ही है, लेकिन सुखाएगा तो 1 किलो 50 रुपया 60 रुपीज बेचता है। यहाँ पे झाड़ू का बगीचा बहुत बड़ा बड़ा होते हैं बगीचा, यहाँ पे बहुत सस्ता है झाड़ू। आप लोग का उधर कितना है झाड़ू कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन मेरे ख्याल से 1 किलो से 500 तो झाड़ू बना सकता है आराम से। अगर वहाँ पे 100 होगा भी तो 1 किलो झाड़ू 500 रुपया पड़ते हैं उन लोग को जो करते हैं ना, जो ये बिजनेस वगैरह करते हैं, वो लोग बहुत प्रॉफिट कमाता होगा इस झाड़ू लेके। लोगों ने इस तरफ तो ढूंढ लिया है दोस्तों, पूरा ढूंढ लिया है जहाँ जितना भी जगह था, और अभी इस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये बीच में नता है। देखो इस रास्ते से होके हम लोग मंदिर में जाते हैं, तो टेम्पल में, और यहाँ पे इतना सारा फेर क्यों रखा है, देखो लकड़ी से ही हम लोग, फेर का लकड़ी है, देखो इसमें ही हम लोग घर बनाते हैं, इसको बोलते हैं छेतीन हम लोग का भाषा से। अभी इस तरफ और ढूंढ रहा है हम लोग, मिलेगा ना इस तरफ भी, ये देखो मन्नत का मामी को मिल गया है। कहाँ पे, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है मेरे को, ये देखिए कहाँ से कहाँ से निकालना पड़ता है, वहाँ एक के बोल रहा था, बहुत सारे मिलेगा, लेके जाएंगे ना, लेके जाएंगे जितना भी मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आएगा तो दूसरा लोग लेके जाएगा तो नहीं मिलेगा ना। हाँ वो भी काले है, जैसो एक तरह का हम लोग मान सकते हो, ये अभी सीजन नहीं है ना, बेम्बुसुत का सीजन वाला बेम्बुसुत है, लेकिन टेस्टी बहुत है, ऐसा नहीं है कि सीजन नहीं है इसका टेस्टी नहीं होगा, इसका अलग टेस्ट है भाई। चावल ग्रेवी बिगा के आया, चावल चावल ग्रेवी के साथ बनाएंगे, बढ़िया मजा से खाएंगे। Thank you.
पापा। जंगल में नहीं मिलता है दोस्तों, लेकिन ये हम लोग का लैंग्वेज में कहते हैं इसको रोबन। ये जूम काटते हैं, काटने के बाद ये जो है ना उगते हैं और नाई करके उगते हैं, उसी से सोता सोता करके बेम्बूसू। तो बहुत टाइम के बाद मेरे को एक देखने के लिए मिला है, ये देखो। या मेरा फेवरेट नहीं है, सभी का सब वहाँ पे सब गाँव वाला का फेवरेट है ना। और यह इतना बड़ा, ये देखो बातें करते करते इतना बड़ा मिल गया है हम लोग को। इतना लंबा भी है और इसमें ज्यादा मिलता है खाने का चीज। तो मौसम भी एकदम देखते देखते बदल जा रहा है दोस्तों, खराब होते जा रहा है, काले काले बादल हो रहा है। तो बारिश देखा जैसा लग रहा है हो चुका है। हम लोग का अभी जाएंगे, मतलब क्या पसीना निकल गया, देखो बेचारी पसीना। और वैसे भी बहुत सारा कपड़ा धूप में दिया है, वो तो बिक जाएगा। हाँ वो बिक जाएगा। और हम लोग का बेम्बूसू तो दिखाई दे रहा है आप लोग को, जब वहाँ पे जाएंगे आप लोग को अच्छी तरह से दिखाएंगे। और मिला है तो शाम के लिए कुछ भी सब्जी नहीं है दोस्तों, कुछ भी एक भी नहीं है, एक भी आइटम नहीं है। तो इस वजह से हम लोग को सोच रहा था कि बेमूसू ढूंढने के लिए जाएंगे, बेमूसू ढूंढ के उसमें ही काम चलाना पड़ेगा। आप लोग विश्वास ही नहीं करना, इतना टेस्टी है ना ये, जब खाएगा तब आप लोग को, एक बार खाएगा तो और भी बार बार खाने के लिए मन कर गया, इसलिए मन का अभी रोज आते। अभी दो दिन बीच में बारिश दिया है ना, तो इसकी वजह से यहाँ नहीं पाया, खाली सोने से भी बेमूसू दिखाई देता है इसको। इसे भी बेहद टेस्टी लगता है मेरे को, मेरा फेवरेट है बेम्बूसू। मैं अगर ना कुछ भी सब्जी ना रहने से भी खाली बेम्बूसू भी मैं खाना आराम से खा सकता हूँ, हफ्ते भर महीने भर भी चलेगा। अभी पहुंच गया है घर में दोस्तों, हम लोग आधा घंटा भी नहीं ढूंढा था, लगभग हम लोग 20-25 मिनट में हम लोग इतना सारा बेम्बूसू मिला है। देखो भाई अभी निकालो मन्नत का मामी, निकालो, देखिए इतना सारा बेम्बूसू मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना मिलेगा बोल के, मैं नहीं जा रहा था। आया है हाँ। हाँ, मल हो गया करना है तो ए आ गया करण, करण भी आ गया देखो। अच्छी बात है यार, करण भी आ गया है, लाकी बन गया हम लोगों ने, क्योंकि कल रात 8 बजे या 8:30 बजे शायद 9 बजने वाला था, कृपा भाई और मैं बात कर रहा था उस टाइम गया था, आया ही नहीं अभी तक करण, अभी जाके आ गया। ऊपर से बेम्बूसू भी इतना मिला है, करण भी आया है, सिग्नल भी है, तो दिल खुश भाई, बिल्कुल दिल खुश। दिल खुश हो गया। ये देखिए इतना बेम्बूसू ना, दो बार तो आराम से खा सकते हैं ना मन्नत का हमें हम लोग। और हम लोग का बापू जो है नीचे में उसको सोर के आ गया है, थोड़ी देर में हम लोग जब यहाँ से सब बेम्बूसू चिल्का निकालने के बाद उनको लेने के लिए जाएंगा। बाप रे बाप, बापू इतना सारा रामायण का यहाँ पे देखो लोग लेके आया है। ये देखो बापू आ गया, हम लोग लेने के लिए जाने वाला था, कहाँ गया बाबा? तलदी में नीचे में बोल रहा है देखो, और कारण चला गया, और ये लोग टीवी देखने के लिए आया होगा शायद, है ना दोला? ये है दोला, हम लोग का उधर में खाना खाता है ना ये दोला, और इसका बहन रिनिशा आज लेके आया। ओ दोला को नया चप्पल मिला है बोल रहा है देखो, और ये है बाबूना। तो फाइनली चिल्का निकाल दिया है दोस्तों, बहुत सारे मिला है। पहले नहाऊंगी दोस्तों, उसके बाद ही बेम्बूसू को पकाएंगी। नहा लिया है दोस्तों, अभी शाम का खाना तैयारी करूंगा, पहले तो बेम्बूसू को बनाऊंगी। अभी तो सिदोल का पानी रेडी कर लिया है और मिर्ची भी कूट लिया है दोस्तों, और अच्छे से भी दिखता भी नहीं है क्योंकि थोड़ा अंधेरा है, लाइट ऑन किया है फिर भी अंधेरा दिखता है। यहाँ पे जो चावल का चावल भिगो के रखे है ना, ये जूम कल्टिवेशन का चावल भिगो के रखे हूँ क्योंकि बहुत ही टेस्टी होता है ग्रेवी देने के लिए। मैं नहाते नहाते खाया, कहाँ गया है आप? सब्जी लेने के लिए गया है। हाँ बहुत ही सारा सब्जी, ये देखो अच्छा अच्छा सब्जी है, बीन्स कल 60 रुपए लिया था, ये आज 40 रुपीज एक किलो। एक किलो बहुत ही बढ़िया है, 10 रुपया। हाँ और ये 20 रुपया। और अभी मैं यहाँ पे मिर्ची दे दूंगी दोस्तों, सूत को अभी नहीं धोई हूँ दोस्तों, अभी धो लूंगा। तो धो लिया है दोस्तों,
दोस्तों यहाँ ज्यादा होगा इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि मैं ये मिक्स करके बनाएंगे, बैंगन देंगे, बीन्स देंगे, बनाएंगे एक साथ मिक्स कर मिक्स सब्जी, इतना ही रखेंगे। सिदोल का पानी उबल रही है दोस्तों, अभी धीरे धीरे करके डाल रही हूँ मैं। चावल का ग्रेवी देने का टाइम आ चुकी है दोस्तों, अभी तक चावल का ग्रेवी नहीं खुदा है, मैं अभी खुदूंगा। चावल का ग्रेवी खुद लिया है, अभी दे दूंगी। थोड़ी देर पकने देते हैं दोस्तों, उसके बाद ही नमक समक बराबर होकर निकालूंगी। तो बेम्बू सूत हो चुकी है, नमक बिल्कुल बराबर है दोस्तों, अभी गैस को ऑफ करेंगे। और यहाँ पे भी बन रही है मिक्स सब्जी, सब्जियाँ रेडी हो चुकी है दोस्तों, ओनली राइस बचा हुआ है, अभी राइस को भी दे दूंगी मैं। राइस भी हो चुकी है और मनोज का पप्पा बापू नहा रही है, मुझे तो भूख लग रही है, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, मैं अभी खाना खाऊंगी दोस्तों। और बापू के लिए बना दिया है दाल। ये रहा मेरा ताली, जो भी बनाया था मैंने ले लिया है। यहाँ पे है मिक्स सब्जी और बेम्बू सूप दोस्तों, राइस बहुत ही टेस्टी है, ये देखो बिल्कुल लोकल चावल जैसा लगता है। तो दोस्तों अभी एकदम रात हो चुका है, मनोज का मामी तो खाना खाया है, खाना खाने के बाद वो नीचे में कुछ सामान लाने के लिए गया है, तो अभी बापू भी खाना खा लिया, मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मैं शाम का टाइम पे थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, तो इसके लिए जल्दी भूख नहीं लगता, मैं रात हो जाऊंगा थोड़ा खाऊंगा। तो ब्लॉग को इसमें रख लेता हूँ, कैसा लगा ब्लॉग को आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहा है क्या ही बताए, और आप लोग का और देर सारा सपोर्ट कर देना हम लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।